टाइमलाइन एंड टैगिंग सेटिंग्स। आपकी टाइमलाइन पर कौन पोस्ट कर सकता है, कौन आपको टैग कर सकता है और आपकी टैग की गई पोस्ट फेसबुक पर प्रकाशित होनी चाहिए या नहीं, ये आप तय कर सकते हैं सेटिंग्स में टाइमलाइन एंड टैगिंग्स विकल्प से। यदि आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो टाइमलाइन एंड टैगिंग में आपको ये कुछ विकल्प दिखेंगे। पहला विकल्प है टाइमलाइन। इसमें आपको एक विकल्प मिलेगा Who can post on your timeline? इस विकल्प का उपयोग करके आप ये तय कर सकते हैं कि कौन आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट अपलोड कर सकता है। आप इस विकल्प के सामने एडिट बटन पर क्लिक करें। Who can post on your timeline? इस विकल्प के निचले हिस्से में आप ये बटन पाएंगे। इस बटन पर क्लिक करने से अब आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है फ्रेंड्स। यदि आप इसे चुनते हैं तो आपके सभी फेसबुक मित्र आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन पर कोई भी व्यक्ति पोस्ट करे, चाहे वो फेसबुक मित्र ही क्यों ना हो, तो ओनली मी यानी सिर्फ मैं विकल्प को चुनें। इससे सिर्फ आप ही अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट अपलोड कर पाएंगे और कोई नहीं। अगर आपके मित्र ने आपकी टाइमलाइन पर कोई पोस्ट अपलोड की है तो आप ये भी तय कर सकते हैं कि कौन यह पोस्ट देख पाए। इसका नियंत्रण करने के लिए आप टाइमलाइन के अगले सेक्शन पर जाएं। यहाँ आपको Who can see what others post on your timeline ये विकल्प मिलेगा। इस विकल्प के जरिए कौन ये पोस्ट देख सकता है और कौन नहीं, ये आप तय कर सकते हैं। ये निश्चित करने के लिए आपको एडिट बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें। Who can see what others post on your timeline के नीचे आपको ये बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करते ही आपको चार विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है Everyone यानी सभी। इस विकल्प को चुनने पर सारे फेसबुक यूजर्स आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट देख सकते हैं, चाहे वो आपके फेसबुक पर दोस्त हो या नहीं हो। दूसरा विकल्प है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों के दोस्त। इसे चुनने से आपके फेसबुक मित्रों द्वारा आपकी टाइमलाइन पर अपलोड किए गए पोस्ट्स को आपके फेसबुक दोस्तों देखेंगे ही और उनके जो फेसबुक दोस्त हैं वो भी देख सकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि केवल आपके फेसबुक मित्र ही आपकी टाइमलाइन पर प्रकाशित पोस्ट को देख सकें तो तीसरा विकल्प चुनें जो है फ्रेंड्स। इस विकल्प को सिलेक्ट करने पर आपकी अगली टाइमलाइन पोस्ट को सिर्फ आपके दोस्त देख सकेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन पर आपके दोस्तों द्वारा अपलोड की गई पोस्ट को कोई भी ना देखे तो ओनली मी चुनें। इसके बाद सिर्फ आप ही अपने दोस्तों की पोस्ट को अपनी टाइमलाइन पर देख सकेंगे। अब टाइमलाइन एंड टैगिंग सेटिंग्स में टैगिंग नाम के सेक्शन को देखें। आपको विकल्प मिलेंगे कि यदि कोई पोस्ट या फोटो पर आपको टैग करता है तो आप ये तय कर सकते हैं कि कौन इसे देखे और कौन नहीं। Who can see post you are tagged in on your timeline नाम के विकल्प का उपयोग करके ऐसा किया जा सकता है। आप यहाँ एडिट नाम का एक बटन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें और आप उन सभी विकल्पों को देखेंगे जिन्हें हमने पहले देखा है, जैसे Everyone, Friends of Friends, Friends and Only Me। आपको टैग किए जाने के बाद वो टैग को छिपाने या दिखाने के लिए इन विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। टैगिंग के ये विकल्प ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसा हमने पहले सीखा है। यदि आपका कोई भी फेसबुक मित्र आपकी तस्वीर अपलोड करता है तो फेसबुक उन्हें एक सुझाव देता है कि Who sees tag suggestions when photos that look like you are uploaded? मतलब ये फोटो किसी अमुक व्यक्ति की तरह दिखता है, क्या आप उन्हें टैग करना चाहेंगे? यदि आप चाहें कि ऐसे सुझाव किसी के पास ना जाएं, तो यहाँ एडिट बटन पर क्लिक करें। आप ऐसे उदाहरण देखेंगे। इस उदाहरण के ऊपर एक बटन देख सकते हैं। यदि इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो विकल्प मिलेंगे। पहला है फ्रेंड्स।
यदि आप इसे चुनते हैं तो फेसबुक सिर्फ आपके दोस्तों को सुझाव प्रदान करेगा। यदि आप दूसरा विकल्प नो वन चुनते हैं तो फेसबुक किसी भी व्यक्ति को ऐसे सुझाव नहीं देगा। जिस पोस्ट में आपको टैग किया गया है उसे आपकी टाइमलाइन पर दिखाया जाए या नहीं, वो आप रिव्यू सेक्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। यहां आपको जो विकल्प दिखेंगे वो ये है, रिव्यू पोस्ट योर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन योर टाइमलाइन। आपके मित्र ने जिस पोस्ट में आपको टैग किया है वो पोस्ट आपकी टाइमलाइन पर कैसी दिखती है, क्या वो आपत्तिजनक तो नहीं? इसीलिए आप चाहते हैं कि ऐसी पोस्ट अपलोड होने से पहले फेसबुक आपसे आपकी इच्छा जाने कि आपके किसी दोस्त ने आपको ये पोस्ट में टैग किया है, ताकि आप ये निश्चित कर सकें कि आपको वो पोस्ट अपने टाइमलाइन पर दिखानी है या फिर छिपानी है। उदाहरण के तौर पर, आपने एक पोस्ट देखी जहां किसी को टैग किया गया है। ये पोस्ट टैग करने के बाद टाइमलाइन पर ऐसी दिखती है। अब यदि आप ऐसी कोई पोस्ट प्रकाशित नहीं करना चाहें तो उस पोस्ट के ऊपर दाएं कोने पर हाइड बटन को क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करते ही आपका कोई भी दोस्त आपकी टाइमलाइन पर इस पोस्ट को नहीं देख पाएगा। अगर आप चाहें कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर ये पोस्ट आपके फेसबुक दोस्त देख सकें, तो हाइड बटन के बगल में ऐड टू टाइमलाइन बटन पर क्लिक करें। ये बटन चुनने से आपके फेसबुक दोस्तों को ये पोस्ट इस तरह दिखाई देगी। अब तक हमने आपकी टाइमलाइन पर पोस्ट को अपलोड करने की जानकारी दी। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट आपके कुछ फेसबुक मित्र ना देख सके, तो उन्हें आप रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में ले आइए। ये लिस्ट ब्लॉकिंग सेटिंग्स का उपयोग करके बनाई जा सकती है। इसे क्लिक करते ही आपको पहला विकल्प मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट का। यहां आपको एडिट लिस्ट बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें, एडिट रिस्ट्रिक्टेड विंडो खुलेगी। आपको ये बटन एडिट रिस्ट्रिक्टेड के नीचे दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें और फ्रेंड्स विकल्प चुनें। आपको यहां अपने सभी फेसबुक दोस्त दिखाई देंगे। अब उन दोस्तों को चुनें जिन्हें आप अपनी पोस्ट दिखाना नहीं चाहते। उसके बाद विंडो के नीचे दाईं ओर स्थित फिनिश बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके फेसबुक दोस्तों की लिस्ट सुरक्षित हो जाएगी और अब ये चुने हुए दोस्त भविष्य में आपकी पोस्ट नहीं देख पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके कुछ फेसबुक दोस्त आपको टैग न तो कर सके, ना ही आपकी पोस्ट देख सके और ना ही आपको आमंत्रण भेज सके, तो आपको ऐसे मित्रों को ब्लॉक करना होगा। ऐसा करने के लिए आपको ब्लॉक यूजर्स नाम के दूसरे सेक्शन का उपयोग करना होगा। आपको ब्लॉक यूजर्स नाम का बॉक्स दिखाई देगा। जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं उस दोस्त का नाम यहां टाइप करें और ब्लॉक बटन को दबाएं। ब्लॉक पीपल विंडो में उस नाम के साथ ही आपके दूसरे फेसबुक दोस्तों की लिस्ट मिलेगी। ब्लॉक किए जाने वाले दोस्त को चुनें और उसके नाम के सामने ब्लॉक बटन पर क्लिक करें। ब्लॉक किए गए ऐसे दोस्त आपके फेसबुक दोस्तों की लिस्ट में तो बने रहेंगे, लेकिन वो आपकी टाइमलाइन पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने दोस्तों के संदेशों को ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक मैसेजेस सेक्शन में जाएं। पहले बताई गई प्रक्रिया के हिसाब से इस ब्लॉक मैसेजेस के बॉक्स में वो दोस्त का नाम टाइप करें और वो दोस्त लिस्ट में से चुनें। दोस्त को चुनने के बाद ब्लॉक मैसेजेस की विंडो खुलेगी। अब ब्लॉक मैसेजेस का बटन दबा दें। चुने गए फेसबुक दोस्त अब आपको मैसेज नहीं भेज पाएंगे।